करी बनाने का तरीका, पहले इसको धो लें, फिर क्या करना है इसको मैरिनेट मैरिनेट करना है। पहले इसको धोएगा, इसमें बुरी है गर्म नहीं होते हैं अब नींबू जी को काटा जा रहा है। देखो किशोर भाई अपने नींबू जी को काट रहे हैं जी। क्यों ऐसे कटे हो आराम है, सब्जी वालों ने लिया यार हम ऐसे बनाना है। तो भाई चाकू ही इसमें नींबू डालेंगे ताकि स्मेल ना आए, और उसके साथ नमक भी डालेंगे, इससे इसकी क्या होगी मछली की स्मेल जो गंध होती है वो चली जाएगी। अब इसमें डालेंगे नमक, ये नमक है स्वाद अनुसार नमक डालना है, नमक डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार डाल दिया जो टंगी से था। ये अपने राहुल भाई हैं, दिस इज द मेकर ऑफ फिश करी। अब इसको नींबू डालने के बाद इसमें नमक डालने के बाद इसको रख देंगे। आप क्या करें अगर सब मिलाए तो जी जी खाए कह नींबू सा कह जाए। अब इसको नींबू ला के राहुल नहीं सॉरी ये हैं रज्जू रानी, आज फिश करी बना रही हैं। तो कहाँ से सीखी है कला? YouTube से। YouTube से सीखी है। इससे जला सही है जब माची से तो पत्थर का कोना कट रहा है। अब इसको फिश करी बनाने के लिए आपको इसको पूरी साफ कर लेनी है नींबू और नमक से धोने के बाद। इसकी स्मेल जा चुकी है, अब इसको धो के कूलर में सुखाएंगे। पानी अपनी सेफ रज्जू रानी तेल में तलने पर रही मछली बस बहुत है ये पीछे लाइटें जलती हैं अब इसको फ्राई करने के बाद निकाल लीजिए, फिर और भी फ्राई करते हैं अभी और बचा है इसको पूरा करने के बाद फिर बनाते हैं आलू का पराठा। और ये अपने सैफ भैया अटार रहा है वहाँ तो मठा मसाला स्वाद अनुसार। धनिया नहीं डाली भी गया। अब इसमें प्याज डाल दिए, मसाले डाल दिए और इसको मस्त खटकाएंगे। देखो क्या अब इसमें पानी डालना है स्वाद अनुसार, कितना भी आपको रखना है उस स्वाद अनुसार अपना पानी डालो। फाइनल चल रहा है करके ही बस दिस इज द फाइनल प्रोसेस। बस अब इसमें स्वाद अनुसार नींबू डालिए। तुमने बात मैंने लगा रहा कि अब
नहीं डाल रहे नहीं दो बहुत अभी मसाला धड़के में डालता हूँ डालता हूँ नहीं धड़ी क्या आवाज करें मैं कह रहा धड़िया सही है मैंने तो माही लगे और टेंशन नहीं लगे अच्छी बनी क्यों नहीं हाँ मुर्गा तो टेस्टी लग रही है कौन जा रहा है जल्दी जाएगा हमने लेना है तैयार ही रखो करो मैं तू आगे भेज दिया जूते उतर पहन आओ तो होना पहले पालक ना नया आवाज ये दोनों सवाल अभी लेकिन मैं ले रहा हूँ